हेलो नमस्कार, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी जो है ठीक हूँ। तो देखिए, कई बार जो है कमेंट आया था, एक दीदी जो है वो कई बार कमेंट की थी कि दी जो है आप तीली वाला जो पंखा बनाई है वो बता दीजिए कैसे और किस तरह से बनाई है। तो देखिए, जो है तीली वाला पंखा पिछले वीडियो में बना करके डाली थी और गर्मी का समय था, तो जो है मैं कई पंखा जो है तीली वाले बना करके डाली हूँ। तो दीदी को बहुत पसंद पंखा है तीली वाले, तो बार बार कमेंट कर रही हैं कि बताइए कैसे और किस तरह से बनाई है, और उन लोगों को समझ में नहीं आया कैसे और किस तरह से बना है। तो मैं ज़रूर बताऊँगी कैसे और किस तरह से जो है तीली वाला पंखा बनाई हूँ, और मैं बताऊँगी ज़रूर कैसे और किस तरह से बनाई हूँ, ज़रूर बताऊँगी। और एक जो दीदी हैं वो भी कमेंट कर रही हैं, कह रही हैं कि आप जो है ये पंखा कितने को बेचोगी? तो मैं जो है पंखा बेचती नहीं हूँ, आप दीदी हमारे घर पे आइए और पंखा ले जाइए, मैं आपको एक नहीं दो पंखा दे दूँगी। और मैं आपका कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरे पंखा बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो देखिए, और हमारे यहाँ जो है गर्मी के समय में गर्मी भी बहुत काफ़ी पड़ती है और ठंडक के समय में ठंडक भी बहुत ज़्यादा काफ़ी पड़ती है, और जिससे हमारे यहाँ लाइट भी बहुत कम आती है। तो इसके वजह से जो है लाइट कम आती है, तो जो है इसके वजह से हाथ वाले पंखा ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो इसी तरह से जो है हम पंखा बनाती रहती हैं और इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो हम बना करके अपलोड करती हूँ। और जो है मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं ज़रूर बताऊँगी पंखा बना करके और कैसे और किस तरह से बनाई हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।